आज अपने थियोरिफिक क्वेश्चंस में कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो कि बहुत सिंपल है बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जनरली ये सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट जैसे हाई डिग्री पॉलीनोमियल्स में रूट निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है तो अपने हिट एंड ट्राई में वैल्यूज पुट करके देखते हैं, तो वो सारे केसेस में यहां से अपने कुछ हेल्प हो सकता है। तो ये जो थियोरम है जिसको अपने बोलते हैं रैशनल रूट थियोरम, ये कहता है कि अगर अपने पास कोई एक nth डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन है जो है ए एन एक्स बार एन ए एन माइनस वन एक्स बार एन माइनस वन प्लस ए नॉट इक्वल जीरो, जहां पे सारे के सारे कोएफिशिएंट्स ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए नॉट सारे के सारे अगर इंटीजर्स हैं और साथ में ए एन और ए नॉट जीरो नहीं है, तो इसका कोई भी रैशनल सॉल्यूशन यानी इस इक्वेशन का कोई भी रैशनल रूट पी अपॉन क्यू फॉर्म का होगा, कि जहां पे पी अपॉन क्यू जो है वो रिलेटिवली प्राइम है यानी कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, दैट इज जीसीडी ऑफ पी एन क्यू इट शुड बी वन। तो ये जो रूट होगा पी अपॉन क्यू फॉर्म का, तो इसमें पी जो है वो पी डिवाइड करेगा कॉन्स्टेंट टर्म को ए नॉट को और क्यू डिवाइड करेगा इसके लीडिंग कोएफिशिएंट को मतलब ए एन को। तो इसका कोई भी रैशनल रूट अगर एग्जिस्ट करता है ये इक्वेशन के लिए तो वो रूट आएगा प्लस माइनस फैक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। तो जैसे अपने एक एग्जांपल देते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन अपने पास 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अपने को पता करना है कि इक्वेशन का अगर कोई रैशनल रूट है या नहीं है, और अगर इसका कोई रैशनल रूट है तो अपने को वो रैशनल रूट फाइंड आउट करना है। तो रैशनल रूट थ्योरम ये कहता है कि इसका कोई भी रैशनल रूट इस फॉर्म का होगा x इक्वल्स प्लस माइनस, अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 1, तो माइनस 1 का फैक्टर क्या है, एक ही फैक्टर है एंड वो है प्लस 1, एंड व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2 इज Either one or two. यानी इसमें अगर हम देखें तो अपने क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो अपने वन और वन ले सकते हैं या फिर वन और टू ले सकते हैं। तो इसमें अपने पास चार केसेस आएंगे, either x is plus or minus one और x is plus or minus one by two. तो अगर x की वैल्यू वन पुट करते हैं तो वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू प्लस वन माइनस वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वन रूट नहीं है। x इक्वल्स माइनस वन पुट करते हैं, माइनस वन पुट किया माइनस टू माइनस वन माइनस वन विच अगेन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये भी रूट नहीं है। x से वैल्यू वन बाई टू पुट करेंगे तो वन बाई टू पुट किया टू, वन बाई एट प्लस वन बाई टू माइनस वन विच इज वन बाई फोर प्लस वन बाई टू माइनस वन विच इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो, और फाइनली अपने x से वैल्यू माइनस वन बाई टू पुट करते हैं तो माइनस वन बाई टू पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई टू माइनस वन विच अगेन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अपने पास चार पॉसिबिलिटीज थे, तो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस वन बाई टू, और चारों में से कोई भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन के लिए कोई भी रैशनल रूट पॉसिबल नहीं है, या ये इक्वेशन के लिए कोई भी इंटीग्रल रूट भी नहीं होगा, बिकॉज ऑल इंटीग्रल रूट्स दे आर रैशनल रूट्स ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल सपोज क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो, तो इसका कोई भी रैशनल रूट जो है वो प्लस माइनस फैक्टर ऑफ सिक्स अपॉन फैक्टर ऑफ वन, तो कांस्टेंट टर्म सिक्स लीडिंग कोएफिशिएंट वन, तो एक्स इक्वल्स प्लस माइनस, अब सिक्स के फैक्टर्स क्या हैं, या तो वन टू थ्री एंड सिक्स, और वन का एक ही फैक्टर वन, तो यहां पे अपने पास या तो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री और प्लस माइनस सिक्स, तो अपने पास ये आठ पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर इसका कोई भी रैशनल रूट होगा जो कि इस केस में इंटीग्रल रूट्स हैं सारे, तो वो इनमें से कोई एक होगा। तो अगर x की वैल्यू प्लस वन पुट करता है, तो अगर x की वैल्यू प्लस वन पुट कर दिया तो वन माइनस सेवन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब एक रूट हमारे पास आ गया और वो है x इक्वल टू वन। जब एक रूट आ गया तो बाकी रूट तो अपने सिंथेटिक डिवीजन से निकाल सकते हैं, वन जीरो माइनस सेवन सिक्स वन जीरो, सो दिस इज वन 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 माइनस सिक्स माइनस सिक्स एंड जीरो, तो अपने इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एंड यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन के अपने तीन रैशनल रूट्स हैं, वन टू और माइनस थ्री, तो वन टू और माइनस थ्री। तो कोई भी रैशनल रूट जो भी आपके इक्वेशन का है हाई डिग्री पॉलीनोमियल का, वो हमेशा पी अपॉन क्यू फॉर्म का होगा, जहां पे पी ए नॉट का फैक्टर है और क्यू ए एन का फैक्टर है।
प्लस माइनस साइन के साथ। तो ये है आपका रैशनल रूट थ्योरम।